आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप मिनटों में जली हुई काली कढ़ाई को साफ कर सकते हैं, चाहे वो लोहे की कढ़ाई हो, एल्युमिनियम या स्टील की कढ़ाई हो। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और प्रिया यमी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जली हुई काली कढ़ाई को एक गैस के ऊपर रख देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे और बिल्कुल गर्म होने तक, धुआं निकलने तक हम इसे गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद इसका फ्लेम आप मीडियम या स्लो रख सकते हैं। गर्म होने के बाद जो कढ़ाई की ऊपरी लेयर है, जो जला हुआ पार्ट है, वो बहुत मुलायम हो जाता है, जिससे आप अगर इसे खुरचते हैं तो ये बहुत आसानी से निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम एक स्टील का स्पैचुला लेकर खुरच खुरच कर इसका जितना जला हुआ पार्ट है वो सारा निकालना शुरू कर देंगे। तो चारों तरफ से हम इसे निकालना शुरू कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल साफ़ कढ़ाई चाहिए तो इसमें जला हुआ पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सारा हम इस तरह से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सारा मैंने इसका जला हुआ पार्ट निकाल दिया है। तो इसमें जितना भी जला हुआ मटेरियल था वो मैंने निकाल दिया है। इसे हम पानी से वॉश कर देंगे और इसमें हम डालेंगे पीतांबरी। ये पीतांबरी जो है जले हुए बर्तन को बहुत आसानी से साफ़ कर देता है और बहुत ही सस्ता 30 रुपये में मिल जाता है मार्केट में। और इस एक पैकेट से हम 8 से 10 कढ़ाई बड़े आराम से धुल सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और कोई भी स्टील का स्क्रबर लेके हम इसे पूरी कढ़ाई में स्प्रेड कर देंगे। 1 मिनट तक घिसते रहेंगे और इसे 1 घंटे के लिए हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद जब ये सूख जाता है तो इसमें हम वापस से थोड़ा सा पानी छिड़क कर गीला करेंगे और एक स्टील का स्क्रबर लेके हम इसे घिसना शुरू करेंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसे हल्के हाथों से घिसते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका जो मोटी लेयर थी जली हुई उसको हमने निकाल दिया था और हमने इसमें पीतांबरी लगाया है। पीतांबरी से कोई भी बर्तन, लोहे का हो, एल्युमिनियम या स्टील का हो, तांबे का हो, बहुत जल्दी साफ हो जाता है। तो उसे हमने इसमें लगाया है तो उससे क्या है, जो जला हुआ पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और वो आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से हम इसे 10 मिनट तक घिसते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका काला वाला पार्ट था, जला हुआ पार्ट था, वो धीरे धीरे करके पूरा निकलने लगा है और जो हमने इसमें पीतांबरी लगाया था उसका भी कलर बिल्कुल काला हो चुका है। तो अभी कढ़ाई हमारी साफ़ हो चुकी है, लगभग हम इसे धुल के देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी साफ़ हो गई है कढ़ाई, काली से बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है ना। तो बिना मेहनत के हमने कितनी आसानी से इस कढ़ाई को धुल लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी कि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से कैसे बचाया जाए। तो हम इस कढ़ाई को एक साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे अच्छी तरह से धुलने के बाद। तो हम एक ऐसा कपड़ा लेंगे जो अच्छी तरह से पानी एब्जॉर्ब करता हो। तो कोई भी आप कॉटन का या फिर टॉवल टाइप का कपड़ा ले सकते हैं जिससे पानी का पूरा पानी निकाल सकें, कढ़ाई का पूरा पानी निकाल सकें। तो हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डालते हैं और उंगलियों की सहायता से हम पूरी कढ़ाई में स्प्रेड कर देंगे। पूरी कढ़ाई में हम अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे। तो हर तरफ से हमने इसमें ऑयल लगा दिया है और जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे आप चाहें तो पोंछते या फिर छोड़ भी सकते हैं उसमें। तो इस तरह से करने से आपकी कढ़ाई में कभी भी जंग नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।